इन्होंने तो आइन के आर्टिकल 15 16 17 की धजिया बकेती 19 और 19 ए के हवाले से आपके सामने वो FIA चढ़ाया हुआ है। वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बड़ी सुखी हुई पड़ी कि FIA के पास इख्तियार कोई नहीं था, वो अब पंजाब की तरफ डेरा कर लिया है और वो उस्मा बुखारी के केस से शुरू होकर वो पंजाब कॉलेज के केस की अब कहानी वहां पर नहीं हो गई है कि साफियों को जलील किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बातें जो झूठा बयानिया लगाया था वो आपके सामने अवेलेबल है। 9 मई का बड़ा दावे मारे कि पता नहीं क्या, आज तक प्रोसिक्यूशन वहां पर कोई चलान सबमिट नहीं कर सकी। प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस लाने की बातें थी, जहाँ अभी आपने देख लिया कोटा में बम धमाका हुआ, आगे फुटेज आपके सामने, यहाँ के फुटेज लाए ना सामने, कहा है CCTV फुटेज, क्या कुछ मांगते रहे हैं। इमरान खान के ऊपर पर्चे दर्ज किए, उनमें भी 8 तारीख को उनकी जमानत होगी, 9 मई के, कोई एविडेंस नहीं है। और ये मैं बता दूं, 2.5 महीने पहले हम मैं बहस करके आया था, सलमान साहब और मैं बहस करके आए थे, इसमें एविडेंस नहीं है। प्रोसिक्यूशन जनाब उस वक्त नहीं आई, बीमार हो गई और 2.5 महीनों से वो बीमारी का बहाना करते करते, बल्कि 8 तारीख वाले दिन प्रोसिक्यूटर जनरल खुद भी पहुंचे। उसके अलावा 3-4 वर्जन अब तक उसमें बदल चुके हुए हैं। उषा बीबी के ऊपर भी बड़े इल्जाम लगाए उन्होंने दहशतगर्दी के, जनाब वो हंसती है मुस्कुराती है इस बात में दहशतगर्दी। तो ये भी अब ये जो कहानियां जितनी भी है ना, तोता मैना की कहानियां, ये सारी हो गई है, पुरानी हो चुकी है। आपको नए पर्चे बनाने की वो तैयारी करें वो अलग बात है, लेकिन इस महीने में इंशाअल्लाह इमरान खान बाहर आने वाले हैं और तहरीक का मोड आप ये शुरू हो चुका है। आप पंजाब की तरफ भी आएंगे और अब लोग जो है ना अपने जो सर कफल पे बांध के बातें हो रही है वो सामने आ जाएंगी और इंशाअल्लाह यानी हाथ बांध के फस्ताइए। लेकिन ये बातें अजहर साहब, ये बातें तो पहले भी हुई ना, ये बातें तो पहले गंडापुर साहब जब पहले आए इस्लामाबाद के लिए आए थे एहतजाज करने के लिए, उस टाइम भी उन्होंने यही बोला था कि वापस नहीं जाएंगे। खान साहब की बहनें भी ये बात करके आई थी, लेकिन वो देखा उसका कोई फायदा नहीं और वो वापस भी चले गए, जिसकी वजह से कारकुनान जो है आपके डिमोरलाइज हो गए। नहीं नहीं नहीं, ये बात ये नहीं है मेरी, ये बात देखे ना आपने देखा नहीं इस्लामाबाद पुलिस ने क्या किया, गाड़ियों के शीशे तोड़े, लोगों को पकड़ा, क्या जुल्म किया वहां तक वो आए। लेकिन सवाल बड़ा वाजे तौर पर है, एहतजाज कर रहे हैं, हमने कोई धरने की कॉल नहीं दी हुई कि हमने आकर यहाँ बैठ जाना है, डेरे लगा लेने हैं। अभी जब वो कॉल देंगे तो फिर वापस नहीं जाएंगे, तो ये वजह नहीं है। SOC का बड़ा शोर डाला हुआ था, हमने देखिए हमने कोई होने दी ना, और हालांकि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं था और उसका रिजल्ट भी क्या आया, अभी 2.5 अरब रुपया लगा दिया है। वो 2.5 अरब का तो पहले ये हिसाब दे और बताए कौम को क्या कुछ हो चुका है। हम आइन और कानून की पासदारी चाहते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं आए, देखे फिर क्या करते हैं, फिर देख लेंगे ठीक हो गया, ठीक हो गया। आइन और कानून की जो है पासदारी चाह रहे हैं और साथ साथ आप मांग रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड, वो इलेक्शंस में भी मांग रहे थे और अभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड ही पाकिस्तान तरीके से मांग रही है।